वेलकम टू टेक्नोविद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नोविद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार मित्रों, iOS के सीरीज़ में आज हम अगला वीडियो लेकर आए हैं। आज हम iOS में बात करेंगे iOS की फ़ोन एप्लीकेशन किस तरह की दिखती है और किस तरह से ये काम करती है। हमने आपको पिछली बार जो है होम स्क्रीन के विषय में जानकारी दी थी, आज हम फ़ोन के विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। फ़ोन को ओपन करेंगे, यहाँ पर फ़ोन को ओपन किया, सबसे पहले हमारा फोकस जो होता है वो रीसेंट पर हमने कर रखा है। आप इससे पीछे चलेंगे तो आपको फेवरेट मिलेगा, सॉरी एक मिनट, चलिए छोड़िए। देखिए ये फेवरेट्स है, फेवरेट्स पे क्लिक किया मैंने तो ये देखिए अभी तक कोई भी हमने कॉन्टैक्ट सेव नहीं कर रखा, इसलिए वो ये फेवरेट ऐसा दिखा रहा है, खाली है। तो आप यहाँ पर अपना कोई भी फेवरेट, अभी कोई हमारे पास फेवरेट कॉन्टैक्ट नहीं है तो हम यहाँ इसे ऐड भी कर सकते हैं। और इसके बाद में मिलता है रीसेंट, रीसेंट के ऊपर यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन बोलते हैं, एक तो ऑल और एक मिस्ड। और यहाँ पर एडिट होता है तो आप अपने कॉन्टैक्ट को अलग हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे अब हमें जैसे ऊपर एक कॉन्टैक्ट है, ये नंबर है, अब हमें इसे डिलीट करना है तो अब डाउन स्वाइप करेंगे, पहला है डिलीट और मोर इन्फो खोलते हैं, इसकी पूरी डिटेल खुल जाएगी कॉन्टैक्ट की और डिलीट से ये डिलीट हो जाएगा। ये देखिए ये डिलीट हो गया हमारा, बगैर कुछ कहे ही इसने डिलीट कर दिया। जैसे अब ये व्यास जी का नंबर है तो मुझे इसे डिलीट करना है या इसकी मोर इन्फो देखनी, तो डबल टैप करूँगा तो इसकी मोर इन्फो में कॉन्टैक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और लेकिन एक्टिवेट, अब हमारा जो कर्सर है एक्टिवेट पर है, जैसे हम फ़ोन को ओपन करते हैं नॉर्मली वो एक्टिवेट पर ही होता है। जैसे जिस भी नंबर पर आप डबल टैप करोगे तो सीधा वो कॉल कर देगा उस पर, ठीक है ना। इसमें और कोई ज़्यादा फंडा है नहीं, बाकी इस पर सारे नंबर दे रखे हैं जो भी आसपास है। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट, ये हमारा कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं ऑल कॉन्टैक्ट, 700 कॉन्टैक्ट है, आई क्लाउड, ऑल जीमेल, ये सभी इसके अंदर ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। यहाँ से आप कोई भी लिस्ट ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ऐड करनी हो। डिसमिस करेंगे, यहाँ पर आप किसी भी जीमेल में कुछ ऐड करना हो या जो भी लिस्ट ऐड करनी हो तो डिसमिस कर देते हैं अभी तो। ठीक है ना, तो अपने हिसाब से आपको जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, उसको हटा दीजिए, बस डन कर दीजिए। ये डन हो गया, ठीक है ना, ये डन हो गया, ठीक है। अब हम इसके विषय में और कुछ समझना चाहें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉन्टैक्ट के अंदर आपको जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं सारे कॉन्टैक्ट दिखाई देते हैं। जैसे मैंने ऑल कॉन्टैक्ट पे ओके करता हूँ, मैं इसको डन कर देते हैं, डन। और देखिए ऑल कॉन्टैक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, हमारे सारे कॉन्टैक्ट, ये मेरा नाम आ गया संदीप कुमार शर्मा और जो भी कॉन्टैक्ट होंगे वो सारे आपको यहाँ दिखाई देंगे, क्लोज कर देते हैं तो ठीक है ना। तो ये कॉन्टैक्ट है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, इतनी चीज़ें होती है। और एक है कीपैड, अब ये है हमारा कीपैड। फ़ोन का कीपैड सिंपल ही है, जैसा एंड्रॉयड में होता वैसे ही होता, बस वैसे ही स्वाइप करेंगे। देखिए वही नंबर है, 9 पे क्लिक किया, 8 पे क्लिक किया, तो इस तरह से आप नंबर कर सकते हैं डिलीट। उसके बाद कॉल का बटन मिलता है और डिलीट का बटन, ठीक है ना। तो देखिए जैसे पिच नीचे हो गया ना, जैसे हमने डिलीट करने की कोशिश की, तो इसका कीपैड है, बहुत ही आसान है कीपैड यूज़ करना।
और ये है वॉइस मेल। वॉइस मेल अभी तक हमने कोई ऐड नहीं किया है, हम यहाँ पर जैसे वॉइस मेल को ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो ये सीधा सा फ़ोन है, फ़ोन की बस इतनी ही सेटिंग्स होती है और आप इसमें कॉन्टैक्ट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट बनाना या कोई भी जोड़ना बहुत आसान है, किसी भी कॉन्टैक्ट पर लॉन्ग प्रेस कीजिए और वो नंबर आप ऐड कर पाएंगे। जैसे हम रिसेंट पे चलते हैं और ये इस कॉन्टैक्ट को लॉन्ग प्रेस करते हैं, ये देखिए मैंने लॉन्ग प्रेस किया, पूरी डिटेल इसकी आ गई। एड टू एग्जिस्टिंग, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा तो आप यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे। डिसमिस कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो इस तरह से आप इसको किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं डबल टैप लॉन्ग प्रेस करके, नहीं तो मोर इन्फो पे सीधा जाकर भी आप इसे खोल सकते हैं। मोर इन्फो में खोलोगे तो आपको ऐसा खुलेगा, ये शेयर कॉन्टेक्ट, ऐड टू, यहाँ पर इससे ब्लॉक का भी ऑप्शन आता है नीचे इसमें, तो मोर इन्फो जाओगे तो ब्लॉक का ऑप्शन आएगा, तो आप इस कॉन्टैक्ट को ब्लॉक भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है ना। तो ये वाले ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे, तो ये आप समझ गए होंगे किस तरह से। और यहाँ पर देखिए ऑल कॉल है और ये मिस कॉल है, मिस कॉल पे क्लिक कर देखिए, मिस कॉल जो है रेड कलर से दर्शाता है और रिसीव जो नॉर्मल कॉल होती है, जैसे ये इस ऑल पे क्लिक करोगे देखिए कुछ इसमें वाइट वाइट भी दिखा रहा है, तो वाइट का मतलब तो जो हमने रिसीव कर लिया, जो हमने आउटगोइंग कॉल कर ली, और जो रेड कलर की जो कॉल दिखाई दे रही है वो है मिस कॉल, ठीक है। तो ये है इसका इंटरफेस। अब हम लेकिन आप ये समझेंगे कि इसकी सेटिंग कहाँ है, फ़ोन की कोई सेटिंग तो हमें मिली नहीं, तो सेटिंग के लिए हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर, क्योंकि आईफोन की कोई भी एप्लीकेशन की सेटिंग आपको सेटिंग के अंदर ही मिलती है। फोन पे ठीक है ना, सब इसे मिल जाएगा। हम फोन ढूंढते हैं कहाँ इसमें सेटिंग में, ये रहा फोन, ये फोन की सेटिंग्स है, देख लेते हैं क्या क्या। पहला है सीरियन सर्च, सीरियन सर्च आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन बैनर, साउंड, ये सारे वही ऑप्शन है। इनकमिंग कॉल का बैनर आप इसमें सेट कर सकते हैं। अनाउंस कॉल नेवर है, आप यहाँ से चालू कर सकते हैं, जैसे ये ऑलवेज, ऑलवेज भी मैंने क्लिक कर दिया था, अभी अनाउंसमेंट करेगा जब भी कोई कॉल आएगी तो हमें बताएगा ये। ठीक है ना, हे सीरी के कहे बगैर ही आपको ये ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए बैक करते हैं, सीरियन सर्च में क्या है देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले लर्न फ्रॉम दिस ऐप, जैसे सीरी को आपको कहोगे कि सीरी भाई इसको कॉल लगाओ तो कॉल लगा देगी। ये सारी कुछ सेटिंग है सीरी की, इसको छोड़ दीजिए। ये नोटिफिकेशन की है, इसमें नोटिफिकेशन आपको ये रिंगटोन है, फ़ोन की रिंगटोन आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, बैजेस भी सेट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाए। और देख लेते हैं वाईफाई कॉलिंग का भी इसके अंदर एक ऑप्शन है, रिस्पॉन्ड विद टेक्स्ट, वही वाला ऑप्शन है रिस्पॉन्ड टेक्स्ट। तो ये हमारा नंबर है जो फ़ोन सिम का नंबर है, रिस्पॉन्ड विद टेक्स्ट, भाई क्या क्या टेक्स्ट है देख लेते हैं, बता देते हैं आपको। जैसे Please quit responses will be available when you respond.
आप यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं इनको अगर ये आपको पसंद नहीं है तो। वाईफाई कॉलिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, आप इसमें कॉल फॉरवर्डिंग के फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे, कॉल फॉरवर्डिंग ऑफ है, जैसे हम ऑन करेंगे फॉरवर्ड टू, वो नंबर पूछेगा किस नंबर पे आपको फॉरवर्ड करना है, तो वो फिर उस नंबर पे फॉरवर्ड कर देगा। हम इसे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। कॉल फॉरवर्डिंग का फीचर बता दिया मैंने आपको। इसके बाद में कॉल वेटिंग का भी इसमें एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो देखो ऑन है, मतलब आपको बीच में कॉल जब करते हैं कोई फ़ोन आ रहा था, टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। शो माई कॉलर आई डी, ये एक ऑप्शन है, ये तो उसमें भी मिलता है आपको। ये भी ऑप्शन है, आप अननोन कॉलर होंगे जिनके नंबर नहीं आपके कॉन्टेक्ट में सेव हो गए, तो इसको ये साइलेंस कर देगा, मतलब घंटी नहीं बजेगी उसमें, बस आपको ये साइलेंट नोटिफिकेशन देगा। ये ऑफ़ कर रखा आप इसे ऑन, आप अगर आपको ज़्यादा बिजी पर्सन है तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। क्लॉ कॉल ब्लॉकिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, इसको अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए ट्रू कॉलर पार्ट फोर ऑफ है, आप इसे ऑन कर लीजिए, ठीक है। मैंने ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर रखा प्रीमियम, तो आप भी कर सकते हैं। ट्रू कॉलर पार्ट वन, आप इनमें से जो भी ऑन या ऑफ करना चाहें कर सकते हैं। ट्रू कॉलर के सारे ऑप्शन हैं सारे, तो कोई भी अगर अननोन कोई स्पैम हो कॉलर होगा तो अटैम्प्ट डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो आप इनमें से कोई भी ऑफ कर देते हैं अपन, तो एक बार कोई ज़रूरत नहीं अपन को इसकी, ठीक है ना। तो आप इसमें से कॉल आइडेंटिफिकेशन ऐप्स है तो ये आपको यहाँ बताए, और बैक करते हैं। ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स, आप किसी भी कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर सकते हो। ऐड न्यू, यहाँ पर क्लिक करोगे तो जिस कॉन्टैक्ट्स आपको कॉल नहीं चाहिए वो यहाँ पर आप ऐड करके ब्लॉक कर सकते हैं कॉल को। SMS/ कॉल रिकॉर्डिंग का एक बटन यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर नन है, लेकिन इस पर क्लिक करोगे ना, ये पूरी जानकारी इन्होंने दी है, सुन लेते हैं। कॉल रिपोर्टिंग है, नॉट रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग नहीं है इसमें ना। ये डायल असिस्ट ऑन है इसका, ठीक है। आपको वो करेक्ट बताएगा कि डायल असिस्ट का ऑप्शन होता है कि वो जैसे अब्रॉड का कोई नंबर है तो अपने आप ही वो डिटेक्ट कर लेता है, तो ये ऑप्शन होता है। बस इतने ही ऑप्शन यहाँ पर है, तो इसके अंदर मेन तो कुछ भी मतलब सेम ही ऑप्शन है, ज़्यादा कुछ विशेष तो है नहीं, लेकिन बस बाकी तो वही ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया। तो ये फ़ोन एप्लीकेशन उसकी सेटिंग है, तो आपको फ़ोन एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट तो आप ऐसे भी खोल सकते हैं, लेकिन आप जो है फ़ोन जो है फ़ोन को आप सीधा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन की सेटिंग खोलने के लिए आपको सेटिंग ऐप में जाना पड़ेगा, फ़ोन की हमारे जो आईफोन की सेटिंग में जाना पड़ेगा, तब आप इसकी सेटिंग को खोल सकते हैं। वैसे कैमरा हो या कुछ भी हो, आपको जिस भी एप्लीकेशन का सेटिंग खोलना हो तो आपको सेटिंग ऐप के अंदर जाकर फिर से उसे सेटिंग खोलना पड़ेगा। जैसे हमने एंड्रॉइड में तो है ना, फ़ोन की सेटिंग फ़ोन के अंदर ही खुल जाती है, लेकिन इसके अंदर आपको एप्लीकेशन सेटिंग में जाकर ही खोलना पड़ेगा। तो ये थी फ़ोन एप्लीकेशन iOS डिवाइस की। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।